किचन प्यार का तड़का ब्रिंगिंग फैमिलीज टुगेदर। वेलकम टू कीमती किचन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमती किचन, जहां लगता है प्यार का तड़का। आज हम लगाने वाले हैं वेरी फेमस फ्रेश क्विक पाव भाजी। पाव भाजी पे डबल तड़का। किम विल टेल यू व्हाट द इंग्रेडिएंट्स आर। पाव भाजी के लिए हमें चाहिए पाव, आलू, गोभी, गाजर, टमाटर, मटर, प्याज, कैप्सिकम, रेड अनियंस गार्निश के लिए और साइड में प्लेटिंग के लिए। हमें चाहिए बटर, पाव भाजी मसाला, रेड चिली पाउडर, कसूरी मेथी, ग्रीन चिली, थोड़ी सी बीटरूट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, ऑयल तड़के के लिए, कोरिएंडर और लेमन, और हल्दी मैं रखना भूल गई हूँ, इट्स ऑप्शनल अगर आप डालना चाहें तो, बिकॉज पाव भाजी का जनरली कलर इज लाइक रेड, सो सम पीपल पुट एंड सम पीपल डोंट। एंड दिस इज द ब्रेड व्हिच इज गोना गो विद दिस करी और भाजी एज वी से। सो पाव भाजी इज अ डिश फेमस फ्रॉम मुंबई। It was started in 18th century when the cotton mills were open. They used to work day and night. So they were looking for some cheap food which you can get round the clock. So there are plenty of stalls open, and that's how pav bhaji became famous in Mumbai. And now it is served in restaurants. Let's get started. ये पाव भाजी मैं बना रही हूँ कुकर में। मेरे पास प्रेशर पैन है, मैं उसमें बना रही हूँ, लेकिन आप छोटे बड़े कुकर में भी बना सकते हैं। बट मेक श्योर कि बहुत सारी पाव भाजी आप छोटे कुकर में मत बनाइएगा, थोड़ी स्पेस रहनी चाहिए कुकर में। तो अभी मैंने इसमें थोड़ा सा तेल गरम करने डाल दिया है, और उसके साथ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बटर। तेल के साथ इसलिए डाल रही हूँ कि फ्लेवर भी अच्छा आए, प्लस बटर जले भी ना। जैसे ही हमारा बटर थोड़ा गर्म होता है, मैं इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ, ताकि इसका ऑयल में फ्लेवर आ जाए। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। पाव भाजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्याज का फ्लेवर होता है। इसको हम जब तक कुक करेंगे जब तक कि इसका हल्का कच्चापन निकल ना जाए प्याज का। अब जैसा कि ये थोड़ा अनियन हल्का कुक हो गया है, अब इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन सब का मेजरमेंट मैं रेसिपी के एंड में शेयर करूंगी, बट आप लोग थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं टेस्ट वाइज। गार्लिक जनरली फर्स्ट बार में खाली ऑयल में या बटर में फर्स्ट गार्लिक नहीं डालना चाहिए, क्योंकि गार्लिक बहुत जल्दी जलता है, उसकी जलने वाली स्मेल किसी को अच्छी नहीं लगती। अब इसमें जाएगा टमाटर। टमाटर को मैंने चॉपर में चॉप किया है, मिक्सी में नहीं पीसा है। अब जैसे इसमें हमने टमाटर भी डाल दिया है, तो इसमें थोड़ा 4 से 5 मिनट तक आप इसको कुक होने दीजिए इसी में, उसके बाद हम थोड़े मसाले डालेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा मैं बचा के रख रही हूँ क्योंकि हमें डबल तड़का लगाना है, और कश्मीरी लाल मिर्च, बिकॉज कश्मीरी लाल मिर्च का टेस्ट कलर बहुत अच्छा आता है। आप इसमें थोड़ा रेड चिली भी ऐड कर सकते हो, एज पर द टेस्ट, घर में सबको कैसा पसंद है। और अब आप देखो कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है टमाटर का। अब हमने इसको अगेन 2 मिनट तक पकाना है, ताकि थोड़ा सा मसाला सीख जाए। जैसे कि हमारा मसाला काफ़ी सीख गया है,
क्योंकि ऑयल थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लग गया है। अब हमने इसमें क्या करना है, हम इसमें डालेंगे सारी सब्जियाँ। तो ये गया फ्लावर। तो बहुत सारे लोग कॉलीफ्लावर नहीं डालते हैं, बट मेरा ब्रदर हमेशा बोलता है कि कॉलीफ्लावर से बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है। ओके, और अब हम इसमें डालेंगे आलू जो कि हमने बड़े बड़े डाइस्ड करके रखे हैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी बीटरूट बिकॉज ये बहुत अच्छा कलर देती है, और इस पे जाएगा सॉल्ट। तो अब हमारे पास बच गया है पीस, बिकॉज ये फ्रोजन है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, और कैप्सिकम मैं बाद में डालूंगी, एंड यू कैन पुट ग्रीन चिलीज। जैसे कि आप देख रहे हैं अब हमने सारी सब्जियों को इस मसाले में मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगी पानी, और फिर हम इसकी 3 से 4 विसल लेंगे। अब पानी हम थोड़ा अंदाज से डालेंगे क्योंकि प्रेशर कुक कर रहे हैं, हर एक प्रेशर कुकर का थोड़ा साइज अलग रहता है, बट अप्रोक्सीमेटली आई वुड से मैंने अभी 1 कप डाला है, और मुझे ठीक लग रहा है क्योंकि थोड़ा पानी ऊपर दिख भी रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो पाव भाजी मैश करने में प्रॉब्लम होगी हमको। सो मे बी आई विल ऐड 1.5 कप से थोड़ा कम प्रेशर करेंगे। मैंने 4 से 5 सीटी ली है कुकर की। हर कुकर डिफरेंट होता है, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सब्जियां कुक हो गई हैं। तो अब हम इसको, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर, कि ये सब्जियां ऑलमोस्ट कुक हो गई हैं एंड इजीली मैश हो रही हैं स्पून से। अब हम इसको मैशर के साथ मैश कर लेंगे। मेरे पास इंडिया वाला मैशर नहीं है, ये यहाँ का मैशर है। इंडिया वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा, वो राउंड रहता है, बड़ा साइज का रहता है। अभी एक बार मैं इसको थोड़ा मैश करूँगी, इसके बाद हम इसमें डालेंगे पीस और कैप्सिकम, जो कि हमने पीस तो फ्रोज़न है तो उनको कुक करने की ज़रूरत नहीं है, और कैप्सिकम हमने बहुत फाइनली चॉप करी है, तो ये भाजी जब थोड़ी सी गर्म है तो वो अपने आप कुक हो जाएंगी, और इसको मैं गैस पे 3-4 मिनट और रखूँगी। अब हमारी भाजी देखिए डिफरेंट लग रही है, मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक मैश किया है। कभी कभी क्या होता है, अगर हमारा पानी हमारे से ज़्यादा डल जाता है कुकर में तो थोड़ा हार्ड रहता है इसको मैश करना, इसलिए पानी आप थोड़ा ध्यान से डालिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे कैप्सिकम, और हम डालेंगे ग्रीन पीस। ग्रीन कलर ऐड होते से ही इसका कलर ही चेंज हो जाता है, लुक ही चेंज हो जाता है, इट बिकम्स सो इनवाइटिंग। एज यू कैन सी कि कलर कितना अच्छा आया है, हमने बीटरूट जो डाली है ना उससे बहुत नेचुरल कलर आता है। कई लोग कलर, फूड कलर भी ऐड करते हैं भाजी में, बट अगर अवॉइड कर सकते हैं इट्स गुड, अदरवाइज चॉइस इज योर्स। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए गैस पे स्लो फ्लेम पे कुक होने दूंगी, ताकि ये थोड़ा पानी और एब्जॉर्ब कर ले, बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम कंसिस्टेंसी होती है कि आप पाव को टिप करके इजीली खा सकते हो, ना कि सॉलिड कंसिस्टेंसी। मीनवाइल हमारी भाजी हम लोग 2-3 मिनट के लिए कुक कर रहे हैं पानी और कैप्सिकम और मटर ऐड करने के साथ। सो टेम्प्टिंग, मैंने तवा ऑन कर दिया है क्योंकि एवरीबडी इज हंग्री नाउ। अब इसमें हम डालेंगे एक और तड़का, प्यार का तड़का, पाव भाजी मसाले का तड़का। दिस इज ऑप्शनल, बट उससे ग्लेज बहुत अच्छा आता है एंड पवन लव्स इट। हल्का सा बटर गरम कर लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी,
आई जस्ट लव द फ्लेवर ऑफ कसूरी मेथी। इसमें आप थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पाव भाजी मसाला बचा के रखा था, मैं वो डाल रही हूँ, और थोड़े से हमारे प्याज बचे हुए थे जो मैं यूज़ कर ले रही हूँ इसमें। आप जब कोई भी मसाला बटर में या इसमें डालते हैं तो थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिए, क्योंकि वो जल जाता है तो उसका थोड़ा सा कलर डिफरेंट हो जाता है और बर्न स्मेल आती है। लेट देम कुक। मीनवाइल हम करेंगे हमारे बंस को सेकने की तैयारी। बंस को हाफ में कट करके रखा है, मेरा तवा गर्म हो चुका है। मैं एक मिनट के लिए पाव भाजी को थोड़ा सा हिलाना चाहूँगी कि कभी नीचे से लग ना जाए। एज़ यू कैन सी कि जो हमने पानी डाला था ये थोड़ा सा ख़त्म होने लग गया है, और कैप्सिकम भी और पीस भी थोड़े सॉफ्ट लग रहे हैं। बट स्टिल वी विल लेट इट कुक फॉर 2-3 मिनट्स। ये हमारा तड़का कुक हो चुका है, इसको हम सिम पे रहने देंगे। अब सेका जाएगा पाव को। इस पे जाएगा थोड़ा सा कोरिएंडर, थोड़ा सा पाव भाजी, मुझे लग रहा है थोड़ा बटर कम है तो थोड़ा सा हम बटर और डालेंगे। थोड़ा सा क्विक अगर हम हमारे इसको रोल करेंगे तो ये जलेगा नहीं। और अब आप देख सकते हो कि ये एकदम बाजार जैसा रेडी हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी काफ़ी ख़त्म हो चुका है, अब इस पे मैं ये जो हमने एक्स्ट्रा तड़का लगाया है वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये जो एक्स्ट्रा तड़का है दिस इज़ ऑप्शनल बट टेस्ट वेरी गुड। आई थिंक इट्स रेडी टू बी प्लेटिंग। कई लोग इसमें लेमन जूस पूरी भाजी में ऐड कर देते हैं, या अमचूर भी हम थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। मैं एकदम थोड़ा नींबू डाल रही हूँ, एंड आई प्रेफर कि उसको साइड में ही सर्व करें हम नींबू को, बिकॉज हर एक का थोड़ा टेस्ट अलग रहता है लेमन फ्लेवर का। ओके, नाउ इट्स रेडी टू प्लेट। सो नाउ दिस इज ऑल गुड, इट्स बीन प्लेटेड, रेडी टू गो। और एज ऑलवेज मैं कम मेहनत करता लेकिन मैं टेस्ट सबसे पहले करता। The taste, I will tell you how it is. Honest feedback. Honest feedback. Put some onion. Topped with little bit of butter and coriander. Very nice. Very, very nice. Spicy. I can feel the double tadka which you put in. That's what making it even more better. इसको मैंने थोड़ा सा गार्लिक चटनी भी साथ में सर्व करी है। Soon I'll be sharing the recipe with you guys. And please do subscribe to our channel. Please hit the bell icon. Please refer our channel to your friends and family. Thank you so much. See you in another recipe, another day. Thank you. One-stop answer to your Australian education and visa matters. GEMCO Sydney. Dream big, achieve big. Fiji Times. We with the times.